इसको करवट देनी, तो मुझे, मैंने फिर पूछना अम्मा से कि मम्मा आपको कैसे पता चल रहा था कि इसने करवट लेनी है। अम्मा फिर कहती थी देख ला पोते तेरी माँ माँ में, बाकी माँ माँ ही होती है, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस ही होता है। लेकिन अगर मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करी जो कि मुझे अपनी अम्मी से, जो कि मुझे अपनी सास से, सबने मिक्सचर सबका मैंने इकट्ठा किया ताकि आप लोगों को फायदा हासिल हो सके। मुझे पता है बहुत सी क्या एक्सपीरियंस भी मुझे देख रही होंगी जिनके बच्चे हैं, अगर मेरे से कोई पॉइंट मिस हो जाता है तो आप लोग लाजमी कमेंट्स में करिएगा ताकि मेरी भी नॉलेज में इजाफा हो, और जो जो लड़कियां देख रही हैं, जो जो लड़कियां सर्च कर रही हैं अपने बच्चों के लिए, वो उनको थोड़े से कम्फर्ट हम दे सकें। ठीक है, सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है वो आ जाता है कि फीडर। ठीक है, फीडर, और उसके बाद फीडर को साफ करना। हम लोग फीडर ले लेते हैं लेकिन फीडर को साफ करने वाला लेना भूल जाते हैं, क्योंकि मैंने नहीं लिया था। हम लोग फिंगर से कर लेते हैं, मतलब अंदर डाल के, स्पंज को अंदर डाल के किस तरह भी हमने करने हैं वो करते हैं, लेकिन फीडर को साफ करने वाला लेना बहुत जरूरी है। इस तरह का मैंने, मेरे पास है फीडर को साफ करने वाला, और इसके साथ ये भी हमने लेना बहुत जरूरी है। कुछ लोग ये वाली चीज ले लेते हैं और इस चीज का ध्यान नहीं रखते हैं। हम लोगों ने निप्पल को साफ करने वाला भी साथ लेना है, उसमें बहुत चिकनाहट होती है, वो उस तरह नहीं साफ होती। बेशक हम फीडर्स को बॉयल कर लें, वो साफ नहीं होती है। ठीक है, हम लोग ने क्या करना है कि इसको मद्देनजर रखते हुए लेना है। सबसे पहले चीज तो ये हो गई, उसके बाद फीडर। मैंने फीडर महंगे भी लिए, मैंने फीडर सस्ते भी लिए। जरूरी नहीं है कि महंगा फीडर अच्छा ही हो और सस्ता फीडर बुरा हो। मैंने सस्ते जो फीडर लिए बहुत अच्छे निकले, जो महंगे लिए थे तो वो लीक होते थे। लीक इसलिए होते थे कि उनकी, जब मैं ये फीडर खोलती थी, ठीक है, उनके यहाँ पे साथ निप्पल अटैच नहीं होता था। ठीक है, ये देखो, ये इसके साथ फिट एवियन का फीडर है, ये इसके साथ ये चीज ना, इसका निप्पल अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से दूध लीक नहीं होता। जो महंगे वाले फीडर लिए थे उसके साथ निप्पल कैप के साथ अटैच नहीं होता था, जब शेक करना कुछ डाल के या कोई सिरप वगैरह डाल के सारा ढक्कन भर जाता था। इसलिए फीडर लेने से पहले ये लाजमी देखिएगा निप्पल ढक्कन के साथ अटैच होता हो, ताकि लीक ना हो। लीक जो फीडर होगा वो ट्रेवल में बहुत मुश्किल होगी, रात को बहुत मुश्किल होगा, और कैरी करना बहुत मुश्किल होगी, हर होगा गीला 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 गीला, हर का गंद वगैरह पड़ता रहता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये चीज होगी, निप्पल को साफ करने वाला भी आपने लेना है। ऑयल बनाया और इस्तेमाल किया, और अब माशाल्लाह ईमान के बहुत हेल्दी बाल आ रहे हैं। आप लोगों ने सब अपने बच्चों के लगा लीजिएगा, न्यू बॉर्न की भी लगा सकते हैं और आगे तक जितना मर्जी तक लगाएं। ठीक है, चले जी पहले देखते हैं रेसिपी, देखते हैं बनता कैसे है, फिर मैं आप लोगों को लगाने का तरीका बताती हूँ। सबसे पहले जी हमें एक पैन चाहिए। ठीक है जी, नॉनस्टिक नहीं होना चाहिए, इस तरह का आपने स्टील वगैरह का यूज करना है। इसके अंदर हमने हल्की हल्की 3 टेबलस्पून डालनी है देसी घी की। मैं आप लोग को इसकी क्वांटिटी, थोड़े की क्वांटिटी बता रही हूँ, अगर आप लोगों ने ज्यादा बनाना है तो इसको ही, इसी क्वांटिटी को आप लोगों ने डबल करके जाना है। ठीक है, 3 हल्की हल्की टेबलस्पून हल्के से मेल्टेड देसी घी की ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। अब मैं नीचे चूल्हा चलाऊंगी और जो चम्मच पे लगा हुआ है वो भी इसके अंदर ही सारा निकाल लूंगी, ताकि चम्मच वाला भी जाया ना हो। ठीक है, ये हो गया जी चूल्हा ऑन। अब इसके ऊपर हम अपना ये रखते हैं फ्राई पैन, फ्राई पैन कहते हैं ना। अब ये मेल्ट करेंगे हम देसी घी। जब अच्छी तरह मेल्ट हो जाएगा फिर हमें चाहिए जी कड़वे बादाम। कड़वे बादाम आप लोग को पंसार की दुकान से मिलेंगे। आप लोग को उन्हें बताना पड़ेगा कि हमें कड़वे बादाम चाहिए, गिरी के साथ देंगे वो आप लोग को, गिरी तोड़ेंगे और बादाम निकल आएगा और वो कड़वा बादाम होगा। ठीक है, यहाँ जी ऑयल सारा मेल्ट हो गया है अच्छी तरह, और चम्मच भी साफ हो गई है, हल्का सा गर्म भी हो गया ऑयल। ठीक है, अब हमने अगला स्टेप हमारा क्या है, हम लोगों ने उस गिरी में से बादामों को निकाल लेना है। अब हमें 7 बादाम चाहिए। ठीक है, 7 कड़वे बादाम चाहिए, ये देखें जी 7 कड़वे बादाम। अब हम लोगों ने इस बादाम को ऑयल के अंदर डाल देना है, देसी घी के अंदर डाल देना। ये जी हमने अंदर डाल दिया। ठीक है, अब हम इसको एक दफा हिलाएंगे ताकि सारा देसी घी इन बादाम पे लग जाए। हल्की आग पे जलाना है ना। अब हमने दम वाली आग करनी है, बहुत कम, बिल्कुल हल्की आग पे देसी घी के अंदर कड़वे बादाम हमें जलाने हैं, आगे पीछे दोनों साइड से अच्छी तरह, ताकि कोई भी जो है ना ब्राउन कलर नजर आ रहा है ना, ब्राउन कलर खत्म हो जाए, काला काला पूरा बादाम हो जाए। ठीक है, ये हम लोग ने रख दिया। अब तकरीबन 10 मिनट लगेंगे मेरा ख्याल है, या 15 मिनट लगेंगे आग के हिसाब से। ये एक साइड से जब हो जाएंगे मैं इनको पलटूंगी और फिर दूसरी साइड से इनको काला करूंगी। ये एक साइड से हो गए थे, अब मैंने इनको पलट दिया। ठीक है, अब दूसरी साइड से हो रहे हैं, अच्छी तरह हमने इसको ब्राउन कर दिया जी बेटे। हाँ जी, बादाम जी अच्छी तरह जल गए हैं। पहला स्टेप था देसी घी के अंदर 7 कड़वे बादाम, इस तरह काले हो जाए, इसको थोड़ा देर और मज़ीद पकाना है। 3 चम्मच देसी घी था या बस,
छोड़ देना ऐसे उसके अंदर जी हमने बादाम अच्छी तरह जला लिए। अब हम लोगों ने चूल्हा ऑफ कर देना है और तब तक बादाम नहीं निकालने जब तक और ये देसी घी बिल्कुल ठंडा ना हो जाए। उसके बाद जी हमने न्यूटेला के डब्बे में इसको शिफ्ट कर देना है। अब जी इसके अंदर ऑलिव ऑयल डालेंगे। तीन इंग्रेडिएंट्स हैं, मैंने जब भी ईमान का ऑयल बनाया है चिल्तन प्योर का ऑलिव ऑयल यूज़ किया। अगर आप लोगों ने ये लेना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है, अगर आप लोगों ने कोई भी किसी भी कंपनी का लेना है आप लोग किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब जी हमने इसके अंदर डाल देना है 5 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल की, 3 टेबल स्पून देसी घी, 7 कड़वे बादाम, 5 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल के। ये जी सारे हमने, ये दूसरा चम्मच किया, ये गया तीसरा चम्मच, ठीक है, ये चौथा और ये पांचवा चम्मच, ठीक है। ये जी हमारा ऑयल हो गया है रेडी। चलो जी ये जी ऑयल की शक्ल है इस तरह की। जब भी हमने यूज़ करना है इसको हल्का सा गर्म करना है, कोसा करना है और फिर अच्छे से मसाज कर देनी है। इसको अगर भड़े भी चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्मेल आती है और भड़ों से देसी की स्मेल अगर हल्की हल्की भी आएगी तो अच्छी नहीं लगती। तो ये मैंने थोड़ी क्वांटिटी में बनाया है, अगर आप लोगों ने ज़्यादा बनाना है तो इसी क्वांटिटी को आपने डबल 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 करते रहना है और ये तेल बन जाएगा। ये देखिए जी ईमान जी हम फटाफट चम्पी सीजन करते हैं, टप 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 टप, ये जी चम्पी करी ईमान जी। हल्का सा मैंने ऑयल लिया इसमें और गर्म किया हुआ था। ये ईमान जी आप माशाल्लाह बाल देखें कितने हेल्दी आ रहे हैं। वाइट कलर के पार्टिकल नजर आता मुझे लगा है। ये जी हमारा ऑयलिंग हो गई। हाँ जी अब आप लोगों ने जी ऑयल बनाने का तरीका देख लिया है, कितना सिंपल है, 15 से 20 मिनट में डन 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 हो गया। अच्छा अब हमने क्या करना है, इसको कितनी देर लगाना है, 2 घंटे इसको बालों में अप्लाई करना है। दूसरा पॉइंट ये है कि हम लोगों ने 1 या 2 टेबल स्पून जितना भी बच्चे के बाल में लगाना है उतना